चुनौती होती है, पर ये फिल्म ज़्यादा चुनौती होगी कि मैं तो एक लिख से हटके कर रहा हूँ। टाइटल है हम निर्वाह के हैं दीवाना, मतलब एक समझ नहीं आया पहले कि टाइटल क्यों। जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे थोड़ा इंटरटेनिंग लगी। अब ये है कि अब किस तरह मैं इसको पर्दे पे उतार पाता हूँ ये देखना है। और कहानी बहुत ही दिलचस्प है। पहले हीरो की माता जी वो दीवानी रहती है, फिर हीरो दीवाना बनता है। कहानी एक ज़बरदस्त ट्विस्ट आने वाला है। अब देखें आप फिल्म का फिल्मांकन किस तरह से होता है। बस सर बात करें जैसे कि रूपा मिश्रा जी के आपकी डायरेक्शन में कई फिल्में थी, आई पी एस को कृष्ण यादव भी चर्चित फिल्म है, रिलीज तैयार है। ऐसे में रूपा मिश्रा जी ने एक और कदम बढ़ाया है कि प्रोड्यूसर और उसके आप डायरेक्टर हैं, क्या कहेंगे? तो कहीं ना कहीं उनको लगा होगा कि मैं उस काबिल हूँ, तो मैंने चुनाव किया होगा। एक कोई भी मतलब एक सीनियर एक्टर हैं, वो भी काफ़ी 10 सालों से भोजपुरी इंडस्ट्री में हैं और कई डायरेक्टर के साथ काम किया है, उसके बावजूद अगर मेरा चुनाव कर रही है तो मेरे लिए बहुत फख्र की बात है कि उन्हें कहीं लगा हुआ कि मैं इस काबिल हूँ कि उनको एक अच्छी तरह पर्दे पे ला हूँ। हीरो तो बहुत एक्साइटेड है, यंग है, डायनामिक है, टैलेंटेड है। अब पहले तो जब उनको एक्शन बोलूँगा, जब उनका मुझे लगेगा कि हाँ आप हैं, बहुत ही काबिल हैं, काफ़ी तारीफ सुनी है और बहुत ही एक्साइटेड है। और एक मेन बात है कि कहानी को भी इन्होंने बहुत अच्छे से इन्होंने लिखा है, जो आपने कहा तो बहुत दिलचस्प कहानी है। बस एक शुरुआत है, आगे आगे देखते हैं क्या होता है। आप क्या कहना चाहेंगे सर के डायरेक्शन में? आप सबसे तो पहले मैं मीडिया भाइयों का तहे दिल से नमस्कार धन्यवाद करना चाहता हूँ। और ये फिल्म मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। मेरी ये मैंने कई फिल्में किया है मगर ये मेरा ड्रीम है। और ये हमारे मुरली सर एज ए डायरेक्टर और हमारे रूपा जी और हमारे बड़े भैया चंदन राणा जी, उनके माध्यम से ये फिल्म बन रही है और बहुत ही अच्छी कॉन्सेप्ट है। दिनेश भैया का इसमें हम बहुत बड़े फैन हैं। ये फैन फॉलोइंग पे कहानी है और मैं तहे दिल से महादेव प्रोडक्शन SS की SS मूवी का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो मुझे चुना गया एज ए लीड। और सर का बहुत मुझे आशीर्वाद से ये मुझे ऐसे ही बनाए रहें और नेक्स्ट भी मैं करता जाऊं और इस फिल्म में मैं कुछ ऐसा कर दिखाऊं कि लोग, आप लोग, हमारे दर्शक, हमारे बड़े भाई, सभी लोग हमें प्यार करें और आगे ऐसे ही बढ़ाते जाए। बहुत रोमांटिक, बहुत अच्छा है, कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा है, तो काम करके बहुत मज़ा आएगा। कॉम्बिनेशन के एक पब्लिक को क्लियर करना चाहते हैं, हमें निर्वाह के दीवाना एक बोर्डिंग लगा दिया है ताकि पब्लिक पे क्लियर हो जाए कि ये फिल्म हमें दीवाना, मतलब वो देखो पिक्चर का दिखा रहा है। तो हीरो इनका बहुत बड़ा फैन है, बहुत बड़ा फैन करना चाहते हैं और कुछ नहीं है। इस फिल्म में रोमियो राजा हो या निर्वाह की किसी भी फिल्म का लगा दो, ये इससे क्लियर होता है कि बाबा हम हैं निर्वाह के दीवाना। साक्षात हमें दिनेश भैया का ही दर्शन समझिए, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, इसकी वजह से आज हम पर्दे पे दिनेश भैया का पोस्टर लगाए हैं क्योंकि वो हम बहुत बड़े एक दीवाने हैं उनके हैं। तो मैं दर्शाना यही चाहता था इस फिल्म के माध्यम से, हमारे सर दर्शाना यही चाहते हैं कि हम उनके फैन हैं। बस कहानी जैसे कि वो लड़ भी रहा है तो कभी कभी वो उनकी आंखों के सामने फ्लश होता है, निर्वा जी कैसे लड़ते हैं, और इतना बड़ा उसके लिए क्रेजी पागल है। हाँ अभी जरूर दिखा देंगे, निर्वा जी डेट देंगे और निर्वा जी ने आशीर्वाद भी दिया है। हीरो जी हीरोइन सभी मिल के आए थे और
मैंने उन्हें कहानी भी बताई कि इस तरह का है, जिन्हें जी ने बहुत ही सराहा भी। अब हम जल्द वहाँ शूट करने भी वाले थे, बारिश भी नहीं, शेड्यूल थोड़ा आगे पीछे हो गया। तो जैसे भी सुनील जी हमको सिग्नल देंगे और उस शूट का किया जाएगा, बस उनका प्यार बना रहे। मैं यही कहूँगा कि फिल्म अच्छी बने, हमें निरहुआ की दीवाने, और इस फिल्म में मैं रघुवीर सिंह का रोल कर रहा हूँ। ये मुरली सर की देन है जो मुझे चुना है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि खरा उतरूँ। बहुत ही अच्छी फिल्म बनेगी, दर्शकों से निवेदन है कि अच्छी तरीके से फिल्म को देखें और सराहें। सबका आशीर्वाद प्यार रहे, नमस्कार। मेरा नाम प्रिया मिश्रा है, मैं लखनऊ से हूँ। एज अ एक्टर वर्क करती हूँ, हिंदी भोजपुरी ऑल ओवर वर्क करती हूँ। सर मेरा नाम, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं सबको प्रणाम करता हूँ। मेरा नाम राजा भोजपुरिया, भोजपुरी सिंगर और एक्टर। मैंने काफ़ी लगभग 8-10 फिल्मों में काम किया है और लगभग 500 प्लस मेरे एल्बम्स हैं, आप लोग यूट्यूब पर सुन सकते हैं। राजा भोजपुरिया के नाम से सर, वो फिल्म था और ये मेरा नाम ओरिजिनल है राजा भोजपुरिया। पहले आपका नाम आया कि पहले फिल्म आई? नहीं, वो पहले तो मैं आया, फिल्म तो बाद में आई है। आपका नाम पहले आया, आपके नाम से फिल्म बन गई? हाँ, नहीं ऐसा नहीं बोलेंगे कि मेरे नाम से फिल्म बनी। भोजपुरिया जो हमारा टाइटल है, हमारा जो कल्चर है भोजपुरिया है, हमारा लैंग्वेज है, तो अपने नाम के पीछे कोई भी कुछ भी लगा सकता है। सर सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, ये रूपा मैडम के साथ मेरी दूसरी फिल्म है। पहली फिल्म किया था इनके साथ मैं परदेश, जो सिनेमा हॉल में लगा था लॉकडाउन के पहले, और काफ़ी अच्छी फिल्म बनी थी। उसमें मेरा बहुत अच्छा कैरेक्टर था, और इस फिल्म में भी मेरा कॉमेडियन का कैरेक्टर है, लोटन का कैरेक्टर है। और मैडम का शाम को फ़ोन आया कि बोले कि राजा आप आइए, मैं दिल्ली में था। और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि रूपा मैडम और मुरली लालवानी सर ने मेरे पर ट्रस्ट किया है और इतना अच्छा कैरेक्टर मुझे प्ले करने का मौका दिया। रूपा दी बहुत ही अच्छी हैं, मैंने उनके साथ, ये मेरा दूसरा प्रोजेक्ट है, क्योंकि इनसे पहले हम लोगों ने फैब में काम किया था शादी के चक्कर में, तो हम लोगों की बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन गई है। अगर आपने जैसे बोला कि एक एक्टर के साथ प्रोड्यूसर, तो प्रोड्यूसर जो देखा जाए तो एक्टर से ज़्यादा बहुत ही रिस्पॉन्सिबल वर्क होता है, उसकी जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। एक साथ दो काम करना पॉसिबल नहीं होता है, बट उन्होंने रिस्क लिया है और उम्मीद हम लोगों को बहुत ज़्यादा है कि उनका ये रिस्क जो है ना बहुत ही अच्छा रिजल्ट लाएगा। मतलब मेहनत जिस हिसाब से कर रही हैं उसके हिसाब से रिजल्ट भी 100% जाएगा। बिल्कुल सर, मेरा बहुत सारा अवश्य प्रोजेक्ट आया है, लेकिन उसमें से मैं आप लोगों को कुछ सुनाता हूँ। पहले सुना सुना कहली जान कही के बुनवली, पहले सुना सुना कहली जान कही के बुनवली, देली हमरा मोहब्बत के इनाम गोरिया कके चल गई जिंदगी वीरान गोरिया कके चल गई जिंदगी वीरान गोरिया। जी सर मैडम तो बहुत खुश हो गए, इनके लिए भी मान ले तो इनके लिए ही है। थैंक यू सो मच सर। आपके कौन से भाव से प्ले करने की बात है, क्या करना चाहते हैं, पहले तो मैं आप लोग का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोग ने यहाँ पर आए और हम लोग को टाइमिंग दिया, और मैं अपने सारी टीम को और स्पेशली मैं रूपा जी को थैंक्स बोलूँगा कि उन्होंने हमारे स्क्रिप्ट पे काम किया और सुना, उनको बहुत अच्छा लगा, तो हम दोनों एक बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। और इस फिल्म की हम लोग तैयारी किए और सारी चीज़ें बड़ी अच्छी हो गई, फिर जो है कि यहाँ तक हम लोग ने लाया और इसको स्टार्ट किया है, और ये बहुत अंदर से एक अच्छा फील हो रहा है कि नहीं हम लोग ने स्टार्ट कर लिया और इसको बहुत अच्छी तरह से इसको ख़त्म करेंगे। तो फिल्म जो हमारी है, हम है निरहुआ के दीवाना, ये टाइटल बहुत ही प्यारा है,
और इसका सब्जेक्ट भी बहुत ही प्यारा है। तो जिस दिन ये कंप्लीट होके बाहर आएगा, पब्लिकों के बीच में आएगा, तो उस दिन बहुत ही अच्छा लगेगा। और बाकी सारे हमारे मित्र दोस्त जब इसको देखेंगे तो एक उनको बहुत खुशी मिलेगी कि नहीं, ऐसा भी कॉन्सेप्ट आज के डेट में लोग बनाते हैं और आ रहा है, और लोग मतलब सारे लोग परिवार एक साथ बैठ के चीज़ों को देख सके, इंजॉय कर सके और उससे कुछ सीख सके। तो ये समाज में भी एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा और लोगों के बीच भी एक बड़ा अच्छा वो रहेगा। तो इसमें ये सारी चीज़ें हैं। सर, अपने बारे में बताना चाहेंगे और सबसे पहले जानते हैं ये टाइटल निकला खास स्टोरी का आइडिया आया कैसे? ये टाइटल जैसे कि इसमें मेन लीड मेरा छोटा भाई है अनिल सागर, और वो एज ए सिंगर भी हैं और एक तरह से लिखते भी हैं। तो उनके दिमाग में ये आया, तो उन्होंने कहा कि भैया ये टाइटल बहुत अच्छा लग रहा था, इसको देखिए आप करते हैं हम लोग इस पर कुछ, तो हमको ज़रूर दिखाओ बताओ। तो उन्होंने बताया ये चीज़ें, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैंने एक दो लोगों से भी बात की तो वो लोग भी बोले कि बहुत ही अच्छा है। तो हम लोग ने इसको फाइनली रजिस्टर्ड करा दिया। सारी चीज़ें कराने के बाद फिर इसको हम कहे कि नहीं, इस पर फिल्म पे काम करना चाहिए, तो हम लोग ने काम किया। हाँ, मेरा नाम चंदन राणे है और मैं यूपी से ही हूँ, आजमगढ़ ज़िला है मेरा। और मैं बतौर एक्टर हिंदी उसमें एक्टिंग भी करता हूँ और मेरी दो तीन फिल्में भी है एज ए लीड। तो अभी मेरा कई फिल्में चल रहा है, लाइनअप चल रहा है, और मैं इसमें एज ए पार्टनर रूपा जी के साथ में, और इस फिल्म को लेके मैं बोला कि नहीं चलो मैं अपने भाई को भी आगे बढ़ाता हूँ, और एक दूसरे का सपोर्ट रहता है तो आदमी आगे बहुत अच्छा नाम करता है, काम करता है। तो सारी चीज़ें हैं, तो यही है। इस फिल्म का शूटिंग पूरा हम लोग ने लखनऊ में ही सोचा है और सारी चीज़ें हम लोग लखनऊ में ही कर रहे हैं, और लखनऊ हमारा बहुत ही अच्छा प्लेस है और लोकेशन यहाँ पे बहुत सारी अच्छी अच्छी हैं, और यहाँ पे अभी तो सारे फिल्म इंडस्ट्री इधर ही आके शूट भी कर रही है। तो इसके लिए हमें काफ़ी पहले से भी हमने सोच रखा था कि हमें अगर कभी हम काम करेंगे तो लखनऊ में काफ़ी ज़्यादा, और यहाँ पे सारी चीज़ें अभी अवेलेबल भी है, तो बहुत ज़्यादा भागने और करने की कोई ज़रूरत भी नहीं। थैंक यू, आप लोग ने इतना वो किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। ठीक है, थैंक यू। जी, सबसे पहले मैं रूपा मिश्रा आप सभी को दिल से प्रणाम करती हूँ, और आज जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हम निरहुआ के दीवाना, बहुत अच्छी मूवी है, बहुत ही प्यारी कॉन्सेप्ट है, फुल फैमिलियर फिल्म है और फुल कॉमेडी है, एक्शन है और फुल पैकेज है, और सबको बहुत पसंद आएगी ये फिल्म। और मैं आशा करती हूँ कि जो हमारी जनता है जो अब तक जो देखते आई है उसे कहीं हटके ये फिल्म मिलेगी, कुछ यूनिक मिलेगा हमें देखने को। फनीसर हूँ ना, तो मैंने कहा भाई मैं हीरोइन बन जाती हूँ तो मैं भी सोची भाई मैं भी हीरोइन बन जाऊँ। तो मैडम, जैसे कि आपकी हिंदी ढेर सारी फिल्में आई, आपने इंटरव्यू किया है, और आपके पिछले साल जो है आपकी हिंदी फिल्म को भी सब्सिडी मिला, भोजपुरी फिल्म को सब्सिडी जी, आप उम्मीद आप प्रोड्यूसर है इसको भी सब्सिडी मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, और मैं यूपी गवर्नमेंट का बहुत सारा शुक्रिया अदा करना चाह रही हूँ, और कि हमारे उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट हमें सब्सिडी दे रही है, हमें अच्छा अनुदान दे रही है, और हम कोरोना को देखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए हम ये फिल्म बना रहे हैं, कम लोगों के बीच बना रहे हैं। जी जी, हाँ, सौंपने का कारण है, मैं उनके साथ एक फिल्म शेयर कर चुकी हूँ जिनका नाम था तेजस्विनी यादव IPS, तो मुझे लगा ये बहुत ही बेहतर डायरेक्टर है मुरली सर, तो मुझे इनको लेना चाहिए, इसलिए मैंने मुरली सर को एज अ डायरेक्टर कास्ट किया। और कौन कौन सितारे आप सर नजर आएंगे? सरप्राइज है फिलहाल तो। सरप्राइज
जी 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 दिनेश जी हमारे फिल्म में कर रहे हैं, मेहमान कलाकार के रूप में कर रहे हैं गेस्ट अपीयरेंस, और वो भी आप लोगों को अच्छा लगेगा। थोड़ी देर के लिए आएंगे बट बहुत अच्छा किरदार है उनका। क्या पता कौन दीवाना है, ये तो फिल्म आने के बाद पता चलेगा। आशा करती हूँ कि हमारे दर्शकों को जोड़ी पसंद आए। जी फर्स्ट टाइम वो हमारे साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, पहली बार स्क्रीन शेयर करने जा रहे हैं, तो आपने फिल्म के साथ काम? जी जी मेरे लिए कोई स्टार मायने नहीं रखता है, सब पहले नया ही होता है बाद में स्टार बनता है, तो मेरे लिए सब एक सामान्य है। सबको मौका मिलना चाहिए नए कलाकारों को आगे बढ़ने का, आज वो नए हैं तो कल जरूर पुराने होंगे, चल के आगे वो स्टार ही होंगे। अभी मेरी लेटेस्ट वेब सीरीज आई है द सेलर, और एक और आ रही है साइको, और अभी रिलीजिंग पे मेरी तीन चार मूवी है जैसे कि तेजस्विनी यादव और शादी के चक्कर में नरसिम्हा, ऐसे बहुत सी फिल्में हैं जो आ रही है। सॉरी एक तो मैं की थी जिसमें राजपाल यादव थे मेरे अपोजिट, राजपाल यादव जी, और एक चंदन राणे थे अभी बदतमीज लम में, और अभी जो मैं साइको किलर की हूँ उसमें रोहित थे, सीरियल्स के थे, और दो अभी मेरी कंप्लीट हुई है, सारे सीरियल्स के स्टार कास्ट थे। हाँ ख्याल ये आया है कि अभी जो भी प्रोड्यूसर हैं, नाम तो नहीं मैं बोलूँगी, सभी लोग स्टार कास्ट के पीछे भागते हैं, मेरे मायने में सभी स्टार के पीछे भागते हैं कि इन्हीं को लेंगे तो फिल्म, ऐसा नहीं है। आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है तो फिल्म मुझे लगता है कि पब्लिक को मेरे ज़रूर पसंद आएगी, और पारिवारिक फिल्म बनाया जाए मैं ये चाहती हूँ, और मेरे बैनर से ये पहली फिल्म है फुल पारिवारिक फिल्म है, और आगे जो भी बनेगी साफ़ सुथरी और पारिवारिक फिल्म बनेगी, और नए लोगों को मौका दिया जाएगा मेरे बैनर से, ये मेरा उद्देश्य था प्रोड्यूसर बनने का। आपके बातों से लग रहा है किसके साथ और दूसरी फिल्म की तैयारी आप कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल तैयारी दूसरी चल रही है, बिल्कुल बैक टू बैक। अच्छा मैडम जब आप प्रोड्यूसर बनी तो सब ज़्यादा सॉन्ग कौन हुए, सब ज़्यादा खुश कौन हुए? वो तो मुझे कोई बताएगा नहीं, वाया वाया पता चल ही जाएगा, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। बधाइयाँ तो बहुत मिली, सबका प्यार इसने भी बहुत मिला, और सब लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, आप लोग भी कर रहे हैं, इसके लिए तहे दिल से थैंक यू सो मच। भोजपुरी इंडस्ट्री में करोड़ों दिलों की धड़कन चाचा चाचा इन्होंने टाइगर जी इस फिल्म में आपके साथ नजर आने वाले हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छे पर्सन हैं और बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं, वह हमारे बाजू में बैठे हुए हैं, बहुत ही नेक दिल इंसान है। मैंने कहा सर ये फिल्म करनी है, स्क्रिप्ट भेजा, उन्होंने तुरंत हाँ कर दी, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और वो मैं उनके साथ तीसरी मूवी ये करने जा रही हूँ। जी अपने दर्शकों से यही कहना चाहूँगी, बस ऐसे ही प्यार आशीर्वाद बनाए रहिए, अभी मैं तो ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत बड़ी स्टार हूँ, आप लोग के आशीर्वाद से बनी जाऊँगी, बस ऐसे चल रहा, आप लोग अपना प्यार आशीर्वाद इसने बनाए रहिए कि मैं आगे बढ़ूँ, और अच्छी अच्छी आप लोग के लिए फिल्में लेके आऊँ, पारिवारिक फिल्में। थैंक यू सो मच। हेलो सर, मौका है एक नई फिल्म के साथ आने का, आपके साथ और यहाँ जो है आप फिल्म में हैं और निरहुआ के दीवाने में पिक्चर बन रही है, क्या कहना चाहेंगे? अब देखो अब निरहुआ के साथ जोड़ी थी, अब निरहुआ के दीवाने के साथ जोड़ी है, ठीक है। और लालवानी साहब जो हमारे मुरली लालवानी साहब, ये तो बड़े कमाल के टेक्नीशियन हैं, निर्माता हैं, निर्देशक हैं, हिंदी फिल्म बनाए, मराठी फिल्म बनाए, गुजराती फिल्म बनाए, और भोजपुरी में अगर आए हैं तो कुछ तो हंगामा करेंगे ही, अभी आर्मी बनाई इन्होंने। और रूपा जो है एक खूबसूरत अदाकारा, एक हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री की अहम हिस्सा है, और अब निर्माता अगर बन रही है तो ये भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए बड़ी अच्छी बात है। तो यार जब एक हमारा साथी कलाकार को निर्माता बनता है तो कॉपरेट करना हम सब का फ़र्ज है, और मुझे लगता है और ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूँ कि फिल्म इतनी अच्छी चले कि मुरली लालवानी साहब और रूपा की जो ये निर्माता निर्देशक वाली जोड़ी है ये बड़ी कामयाब हो और फिल्म पर फिल्म बनाए, यही मेरी शुभकामना है इन लोगों के लिए। मैं बस हंसाऊंगा, पागल कर दूंगा हंसा सब। और ये हीरो भाई देखिए निरहुआ
एक आया था हंगामा मचाया, हो सकता है निरोग दीवाना भी हंगामा मचा दे और मचाएगा ही। मैं तो अभी सिंगर और एक्टर नहीं देख रहा हूँ, मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि ये एक्टर अच्छा बनेगा, एक्टर तो है ही है, स्टार बनेगा, ये मैं पूरी उम्मीद रखता हूँ। मुझे इस फिल्म में सर का साथ, मनोज सर का साथ पा के मुझे बहुत खुशी हुई और मैं इनके साथ काम करने का बहुत मेरे मन में इच्छा था कि मैं काम करूं, बड़े भैया के से सीखूं, और मुझे बहुत ही अच्छा खुशी हो रही है। और जो कॉन्सेप्ट है इसको लेके मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। मैं एक्साइटेड बोला नहीं जा रहा है बोला नहीं जा रहा है खुशी के मारे बोला नहीं जा रहा है। सर एक्टिंग के बादशाह हैं, बहुत से सितारों को सिखाया है, जो आप सीखते हैं। बस बस आपको मौका मिला था, बस बस वही सीखने का मौका मिला है और हम सीखेंगे भी बड़े भैया से। और ये हमारे किरदार में हमारे पिताजी का रोल निभा रहे हैं और मैं इनका बेटा हूँ, उसे मुझे बहुत मारते डरवा के करते हैं, तो बहुत इनसे ही मुझे सीखना है और इन्हीं की डांट से मुझे आगे बढ़ना भी है। मैं मुरली लालवानी साहब के बारे में बात करूँगा। मैंने हमारा परिचय बहुत दिनों से, हम फेसबुक फ्रेंड हैं, लेकिन मिला मैं ढंग से मिला पहली बार। बहुत हम्बल आदमी है, बहुत डाउन टू अर्थ आदमी है। मैं कुर्सी पर बैठा था, जमीन में बैठ गए। अरे मैंने कहा सर नहीं मेरी मैं यही ठीक हूँ। तो यार जो इतना झुका हुआ इंसान हो दुनिया को झुकाएगा एक दिन, ये तय है, समझ रहे ना। ये बहुत कमाल के आदमी है, मैं इनका फैन हो गया। हाँ बहुमुखी, कहता हूँ ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी है, इसीलिए मुरली जी आज सबके दिल में। यार कौन नहीं जानता इनको, कृष्णा को भी इन्होंने फर्स्ट टाइम भोजपुरी में बुलाया, कृष्णा अभिषेक को, ओम झा को पहला ब्रेक दिया म्यूजिक में इन्होंने, तब 100% बहुत कमाल का। और क्या, मैं तो प्राउड फील करता हूँ मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ। और मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है मुरली सर के साथ काम करने का मौका मिला। और महादेव प्रोडक्शन बैनर तले काम कर रहा हूँ, SH मूवी के तले काम कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। रूपा जी का धन्यवाद और हमारे बड़े भैया चंदन जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, और साथ साथ हमारे बड़े भैया सर तो है ही है, मुरली सर जी। सर मैं कहता सभी तो गुणगान में गा रही हूँ, मचा ही गया। बस मैं एक्साइटेड हूँ, रूपा के साथ तो काम कर चुका हूँ, IPS में जो वेरी टैलेंटेड है। मैंने पहले ही कहा था कि जब कास्टिंग हो रही थी तो लोगों ने कहा था ये है, जब रूपा ने पहला ही जब परफॉर्मेंस किया लोगों ने तालियां बजाई IPS में, और फिल्म खुद देख लेंगे। उसके बाद यह फिल्म का जब मेरे पास स्क्रिप्ट आई तो मैंने पढ़ी तो यार स्क्रिप्ट तो काफ़ी अलग हटके है, इसको कैसे करेंगे, तो इसके लिए कास्टिंग का चुनाव होना ज़रूरी है। जब मुझे इन्होंने मनोज जी के बारे में बताया, बोला मनोज जी करेंगे, बोले हाँ हाँ करेंगे, बोले मनोज जी के तो चार चांद लग गए फिर। मैंने बोला, और लगन ने बोला वो फिट करेक्टर ही नहीं को फिट होता है, तो उन्होंने बोला करेंगे। जब इन्होंने बोला मनोज जी ने डेट वेट दे दिया, मेरा लग गया आपके चार चांद लग गए, फिल्म पता नहीं चले नहीं चले, फिल्म लोगों को बस हंसाने वाले आ गए, आपकी फिल्म प्लस हो गई, बस इतना कहूँगा। बहुत मनोज जी एक और एक डेट और के लिए इतना लोचा हो रहा था सर, सर पता है बताया गया। और इत्तेफाक देखिए मैंने कुछ नहीं किया, नहीं सर संजोग डेट 12 को खाली होने वाला सितंबर, अपने आप डेट मिल गया, संजोग अपने आप हो गया। मैंने ये कहा कि बस आपको आपके अलावा एक मनोज जी टाइगर आ गए फिल्म में, और कोई बड़े कलाकार नहीं चाहिए, अब बस आपके पोस्ट एक आगे। जिस तरह से कहा लालवानी सर, मैं ना जब डेट नहीं मैंने जरूरत में सोच रहा था, और बच्ची ने एक बार कहा मैं कैसे करूं, नहीं कर पाऊंगा तो बड़ा तकलीफ होगा, मुझे खुद को तकलीफ होगा, लेकिन ईश्वर ने सुन लिया। बनारस चला गया था शूटिंग करने दूसरी फिल्म की, वो शूटिंग वहाँ कैंसिल हो गई, महादेव ने कृपा दी, महादेव का प्रोडक्शन बैनर नाम ही महादेव। हाईलाइट है कि मनोज जी खुद एक बहुत ही अच्छे राइटर है, ये आप सबको पता ही है, और बहुत अच्छे स्क्रिप्ट राइटर है, डायरेक्टर वगैरह तो है। मतलब मेरे सेट पे निर्वा जी ने कहा जब मेरी स्क्रिप्ट पे कुछ फॉल्ट हुआ, मैं खुद कहूँगा कबूल आऊँगा, तो मेरी कुछ गलती थी, हालांकि गलती मेरी नहीं है, मगर मैंने तो स्क्रिप्ट लिखी, ट्रांसलेट को दूसरे को दिया, पता है सामने खड़ा है, मगर कुछ अपनों की गलती है। तो दिनेश जी ने मनोज जी का जिक्र किया सेट पे, जो बोले मनोज जी पढ़ लेंगे, मनोज सिंह टाइगर बहुत अच्छे राइटर, और किसी सेट पे कहना तारीफ उनको याद आया, ये बहुत बड़ी बात है। तो सारा कहीं ना कहीं अगली फिल्म के राइटर देखो, मैंने अभी तो सुना भी है पीछे टीम है कि अच्छे लेखक हैं मनोज, और मैंने उनके देखा भी है फिल्म में,
मैंने वो एक दो फिल्म बताशा वगैरह ये उनके अपने वो कुछ इम्प्रूव भी करते हैं जी, जी, ये सब पता है मुझे। और मैं ओम झा के साथ एक बार बैठा भी था तो उनकी एक फिल्म कर रहे थे मनोज जी की, वो जी, जी, जब भी जिक्र चला कि एक स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, अच्छा है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। तो कहीं ना कहीं तो देखो जैसे मैं करूँगा तो पीछे से गॉसिप होगी, तारीफ या बुराई, तो उस तरह मनोज जी की तो बुराई नहीं, तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ होते रहती है। और अभी अभी टीम बनी है तो टीम में तो हर आदमी टैलेंटेड लोगों को ढूंढता है, मैं भी चाहूँगा हम लोग जुड़ेंगे तो कुछ नया क्रिएशन तो अब शुरू है ना महादेव प्रोडक्शन में, हो सकता है हम लोग अभी बहुत कुछ करेंगे। बाकी है सर, आप जो थिएटर में बच्चों को सिखाते हो वो भी नजर आएंगे? बिल्कुल आएंगे, हम नए नए लड़कों को रिकमेंड करेंगे, हम लोगों को चाहिए ही। प्रोडक्शन हाउस खोलने का यही उद्देश्य है कि हम नए लोगों को ही चांस, बिल्कुल पुराने तो कर ही रहे हर बैनर में, डेफिनेटली करते ही रहेंगे लोग, और नए लोग आएंगे तो और अच्छा होगा, और क्या भविष्य लोगों को और सुधरेगा डेफिनेटली। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, कुछ कह नहीं सकती, बस महादेव से यही कृपा है, ऐसे हम लोग की टीम हमेशा मिली रहे और हम लोग एक फिल्म कर रहे हैं भी, कंटिन्यू हम लोग करते रहे और यही हमारी टीम है। चंदन जी आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि इस टीम को पाके मैं बहुत खुश हूँ, और कहने के लिए मेरे पास बहुत ज़्यादा शब्द नहीं है क्योंकि मनोज भैया का आशीर्वाद मिल गया और मुरली सर का साथ मिल गया तो बहुत मेरे अंदर से शब्द नहीं निकल रहा है। तो नहीं सर, होगा कुछ बहुत अच्छा होगा, बाबा का भक्त मैं भी हूँ, महादेव बाबा का, बाबा कुछ तो बढ़िया करने वाले हैं, महादेव हमारे साथ बैठे हैं, सबसे बड़ी चीज है। और रूपा बड़ी पॉजिटिव लड़की, ईश्वर इसके बारे में कुछ तो सोचे होंगे, अच्छा कुछ तो अच्छा। थैंक यू सो मच, सर हम 4 बजे आ जाएंगे।